जर्नी ऑफ लेजेंड सीजन वन इंडियन लेजेंड्स एपिसोड 13 आज करना है सचिन रमेश तेंदुलकर, एक पहले ऐसे बल्लेबाज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जहां 100 शतक लगाने वाले बल्लेबाज इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार, जहां ओडीआई में 49 टेस्ट में 51 सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज, जहां पर आज इनके पूरे जिंदगी को आज खोलेंगे हम, इनका सबसे लॉन्गेस्ट टाइम स्पैन वाला करियर को आज जानेंगे, इन्हें के डिकोड करने का कोशिश हम करेंगे आज। सचिन तेंदुलकर बॉर्न 24 अप्रैल 1973, इंटरनेशनल क्रिकेटर हु कैप्टन द इंडियन नेशनल टीम। टेस्ट क्रिकेट के अंदर चालू करेंगे तो 200 मैच इन्होंने खेला, 200 टेस्ट क्रिकेट मैच खेला इन्होंने, 15,900 से ऊपर रन बनाया, 51 शतक जड़े और 68 अर्धशतक बनाने में कामयाबी पाई, और टीम्स कौन से सबके आगे बल्लेबाजी किया इन्होंने, और ऑस्ट्रेलिया के सामने 39 मुकाबले 8 बार नॉट आउट, 3630 रन बनाया, 11 शतक 16 अर्धशतक, बांग्लादेश के सामने 7 मुकाबले 3 नॉट आउट और 820 रन, 5 मुकाबले 5 शतक 7 मुकाबले 5 शतक, इंग्लैंड के सामने 32 मुकाबले 2500 से ऊपर रन और 7 शतक वहां पर भी, और न्यूजीलैंड में 24 मुकाबले 1500 से ऊपर रन, 4 शतक और 8 अर्धशतक लगाया उन्होंने वहां पर। पाकिस्तान के सामने इन्होंने जब खेला तो 18 मुकाबले 1000 से ऊपर रन, 2 शतक और 7 अर्धशतक लगाया। साउथ अफ्रीका के सामने 25 मुकाबले 1700 से ऊपर रन, 7 शतक 5 अर्धशतक लगाते नजर आए। श्रीलंका के सामने 25 मुकाबला इन्होंने खेला, 1995 रन इन्होंने बनाए और 203 का इनका हाईएस्ट था, 9 शतक और 6 अर्धशतक लगाया। वेस्ट इंडीज के सामने इन्होंने 21 मैचेस 1630 रन और 3 शतक 10 अर्धशतक लगाते नजर आए। जिम्बाब्वे में 9 मुकाबले 918 रन और 3 शतक 3 अर्धशतक लगाए इन्होंने, और होस्ट कंट्री के अंदर बताया ऑस्ट्रेलिया में जाकर इन्होंने 20 मुकाबले खेले, 1800 से ऊपर रन बनाया, 6 शतक 7 अर्धशतक लगाते नजर आए। बांग्लादेश में जाकर इन्होंने 7 मुकाबले खेला, 820 रन बनाया, 500 शतक लगाए इन्होंने, और इंग्लैंड में 17 मुकाबले 1500 से ऊपर रन, 4 शतक, और भारत के अंदर 94 मुकाबले 7200 से ऊपर रन, 22 मुकाबले 32 अर्धशतक। पाकिस्तान में 10 मुकाबले 13 इनिंग्स 483 रन, 1 मुकाबला 1 शतक 250, और श्रीलंका में अंदर 12 मुकाबले 2 बार नॉट आउट 1100 से ऊपर रन, 5 शतक इन्होंने लगाया और 4 अर्धशतक। वेस्ट इंडीज में इन्होंने 10 मुकाबले 620 रन, 5 अर्धशतक और 1 शतक लगाया। जिम्बाब्वे में 4 मुकाबले खेले 240 रन बनाते नजर आए और 2 अर्धशतक लगाया। कॉन्टिनेंट अफ्रीका के अंदर इन्होंने 19 मुकाबले में 1400 से ऊपर रन बनाया। अमेरिका में 10 मुकाबले में 620 रन बनाया। एशिया के अंदर 9600 से ज़्यादा रन बनाया। यूरोप के अंदर 17 मुकाबले में 1500 से ऊपर रन बनाया। ओशियनिक में अंदर 31 मुकाबले में 2600 से ऊपर रन बनाते नजर आए। घर के अंदर इन्होंने 7200 से ऊपर रन बनाया, तो अभी बाहर जाकर भी इन्होंने 8700 से ऊपर रन बनाए। कौन से साल में कैसा किया इन्होंने प्रदर्शन, बहुत लंबा इनका करियर रहा। 1989 में 4 मुकाबले 215 अर्धशतक, 1990 के अंदर इनको आपको बहुत ब्रॉड करके आपको दिखाता हूँ इनका ये शॉट, मैं आपको पूरा दिखाते हैं यहाँ पर आपको दिखाई देगा। 1991 के अंदर 2 मुकाबले 78 रन, 1993 के अंदर इनको 8 मुकाबले 640 रन, 1994 के अंदर 7 मुकाबले 700 रन, 1995 के अंदर 58 रन, 1997 के अंदर 1000, 1998 के अंदर 647, 1999 के अंदर 1000 से ऊपर, 2000 में 500 से ऊपर रन, 2001 में 1003, 2003 के अंदर 5 मुकाबले 153 रन, जहाँ पर 2004 के अंदर 10 मुकाबले 915, 2005 के अंदर 400 से ऊपर रन, 2008 के अंदर 1000 से ऊपर रन वहाँ पर भी, और 2009 में 541 रन,
बनाया इन्होंने 2010 में 1500 से ऊपर रन से, 2011 756 रन, 2012 के अंदर 357, 2013 में 276। चले हम अगर कौन से कप्तान के अंदर में इन्होंने खेला, मोहम्मद अजहरुद्दीन, धोनी, राहुल द्रविड़, गौरव गांगुली, अनिल कुंबले, वीरेंद्र सहवाग, जयेंद्र श्रीनाथ, और अपने कप्तानी में खुद भी खेलते नजर आए लेकिन अपने कप्तानी में परफॉर्मेंस उनका अच्छा ही तो रहा, फिर उन्होंने उनको लगा कि उनका कैप्टनशिप में उनका परफॉर्मेंस डाउन हुआ इसलिए उन्होंने छोड़ दिया था जल्दी। 25 मुकाबला उन्होंने कप्तानी भी की, 2000 से ऊपर रन भी बनाया, 7 शतक भी जलते नजर आए, विकेट कीपर में कभी नहीं नजर आया। जहाँ पर बैटिंग फर्स्ट के अंदर आपको बताएं तो मैचेस बैटिंग फर्स्ट के अंदर 91 मैचेस 8200 से ऊपर रन, बैटिंग फील्डिंग फर्स्ट के अंदर 7600 से ऊपर रन बताएं आपको। तो टूर्नामेंट टाइप टू मैच टू टीम सीरीज के अंदर 198 मुकाबले 15735 रन, 3-4 टीम सीरीज के अंदर सिर्फ 2 मुकाबले थे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया ऑस्ट्रेलिया होता है और बताएं ओडीआई क्रिकेट इनका अच्छा रहा, 18400 से ऊपर रन इन्होंने बना दिया। इन्होंने इनका लास्ट करियर के अंदर इन्होंने गजब का इन्होंने किया काम, 23 साल का करियर रहा, 96 ओडीआई मुकाबले, 8 शतक जड़े, 49 शतक जड़ा। और ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बमुडा, इंग्लैंड, आयरलैंड, केनिया, नमीबिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, यूएई, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, सबके सामने इन्होंने अच्छा प्रदर्शन करते ये नजर आए, और होस्ट कंट्री के अंदर सब जगह जाकर भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन करते नजर आए। इन कॉन्टिनेंट से अफ्रीका, अमेरिका से एशिया, यूरोप, अमेरिका, घर और बाहर सबको अपना कब्जा बनाया। और बताएं आपको बाई ईयर में भी तो अच्छा प्रदर्शन, कोई भी साल ऐसा कमजोर आपको नजर नहीं आएगा, सबका टिक होता है तो लास्ट एक उस साल आपको नजर आएगा 2010, 2011, 2012 इलास्टिक करियर वाला चीज है, बहुत अच्छा। इन्होंने कप्तान के अंदर मोहम्मद नजरुद्दीन, धोनी, राहुल द्रविड़, गांगुली, अजय जडेजा, अनिल कुंबले, वीरेंद्र सहवाग, रवि शास्त्री, जयंत श्रीनाथ, अपने कप्तानी में खुद भी खेले तो ये उनको नजर आया। बतौर कप्तान 73 मुकाबले में कप्तानी की, 2400 से ऊपर रन बतौर कप्तान भी बनाया। आपको बताएं डे नाइट मुकाबला और डे मुकाबला भी है, और वर्ल्ड कप के अंदर 45 मुकाबले 2278 रन, 6 शतक, 15 शतक लगाया। और एशिया कप ओडिया इसके अंदर 23 मुकाबले 971 रन, 2 शतक, 7 शतक। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 16 मुकाबले 1 शतक लगाया, 441 रन बनाए। टूर्नामेंट फाइनल्स के अंदर इन्होंने 40 मुकाबले टूर्नामेंट फाइनल्स के अंदर व 1800 से ऊपर रन, टूर्नामेंट सेमीफाइनल के अंदर 8 मुकाबले 317 रन, 3 अर्धशतक, टूर्नामेंट क्वार्टर फाइनल्स के अंदर 4 मुकाबले 263 रन, 1 शतक, 1 अर्धशतक, प्रीमियर क्वार्टर फाइनल्स के अंदर 1 मुकाबला 225 रन, प्रीमियर मैचेस 2010 विकेट 10 आपका मुकाबले 42 अर्धशतक, 28 शतक इन्होंने लगा दिया। टी20 करियर के अंदर सिर्फ 1 मुकाबला इन्होंने खेला, बतौर एक लेजेंडरी इनको चांस दिया है, 1 मुकाबला इन्होंने वहाँ पर भी इन्होंने खेला, तो ये सचिन तेंदुलकर का करियर रहा। और राज जर्नी ऑफ लेजेंड्स के एपिसोड नंबर 13 में आज हमने सचिन तेंदुलकर द ग्रेट की हमने बात की, और यहाँ सचिन तेंदुलकर को हमने रिवाइव करने का कोशिश किया, उनके ग्रेटनेस को आपको बताने का प्रयास किया। जर्नी ऑफ लेजेंड्स इंडियन लेजेंड सीजन 1 एपिसोड नंबर 13 सचिन तेंदुलकर के ऊपर ये वीडियो डेडिकेटेड था, अभी आप देख रहे हैं क्रिकेट बता रहे हैं। अगर आपको नीचे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।